हेलो माय डियर स्टूडेंट्स यू आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो आज मैं वापस आपके पास लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेक्चर नंबर 15 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर आई के जी पी टीय कपूर टू दिलेबस ऑफ आई के जी पी सो गाइज द टॉपिक इज एनर्जी बिफोर दैट आपने देखा कि आपको हमने पूरा का पूरा हाइड्रोजन एनर्जी जो है उसके बारे में इससे पहले डिस्कस किए थे तो आप लोग हाइड्रोजन एनर्जी के जितने भी टॉपिक रिलेटेड थे आपके पी आपके सिलेबस के रिलीज उस पे हमने कर दिए हैं अपलोड यूट्यूब चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे इसके अलावा अब विंड एनर्जी पे हम लोग डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी में जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक आपके इसी सेमेस्टर के जो रेगुलर पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर में पी एस वन पावर सिस्टम वन उसके लास्ट चैप्टर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में वो सारी चीजें पूछी गई है तो दिस टॉपिक इज बेनिफिशियल फॉर योर टू सब्जेक्ट फर्स्ट वन इज रेगुलर सब्जेक्ट पावर सिस्टम एंड सेकेंड इज योर इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तो ये दो सब्जेक्ट आपका जो है इसके बेस पे आपका ये चल रहा है तो गाइज इससे पहले मैं आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इफ यू आर द फैकल्टी मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अक्रॉस द कंट्री you can subscribe my channel and press the bell button to get the notification immediately when i uploaded any videos regarding electrical engineering aur aage bhi main bahut sari latest jo aapke requirement hai jo aage aapke information ke liye zaruri hai regarding your semester examination as well as your competitive examinations आपको बहुत सारे information and रिक्विटमेंट का भी सारा कुछ आपको मिलता रहेगा इस guys. गाइज तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप चैनल पे आइए वीडियोस देखिए और अपने नोट्स पर्सनल नोट्स आप लोग क्रिएट कर लीजिए गाइज तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा किसी तरह से तो गाइज इसके लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप रेफर करिए जो रेफरेंस मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है ये सारे रेफरेंस बुक्स हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि इफ यू गेटिंग मोर नॉलेज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन रेफर दीज बुक्स रिटन बाय ग्रेट स्कॉलर्स तो आप उनको ये चीजें लिख के इनके इन बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिलेंगे बट अकॉर्डिंग टू अगर आप टॉपिक जाना चाहते हैं फॉर योर मेन एग्जामिनेशन ओनली जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपके होंगे ऑफलाइन ही होंगे अब अब ये पूरी डिसाइड हो चुकी है यूजीसी की गाइडलाइन भी आ चुकी है कि जितने भी डी ए या रेगुलर पेपर इन फ्यूचर होंगे फॉर दूशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर एकेडमिक सारा का सारा पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा और जो आपके क्लासेज हैं दैट विल बी ऑनलाइन नो इशू बट पेपर मस्ट बी ऑफलाइन चाहे आप अभी दीजिए या छः महीने बाद दीजिए आपको पेपर ऑफलाइन ही देना है तो जब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक है हमारा विंड एनर्जी मैं इसको आज स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इस लेक्चर में और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें विंड एनर्जी के जो स्कोप है लेटेस्ट अपडेट क्या है रिगार्डिंग ग्लोब एज वेल एज इंडिया तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विंड एनर्जी है क्या अबाउट टू परसेंट ऑफ दोलर एनर्जी एब्जोर्व बाय द अर्थ गोज इन टू द विंड एनर्जी अब क्या होता है जब हमारे पास जब हम आप मेरे सोलर वाले लेक्चर में देखेंगे जो बहुत सारे रेडिएशन्स आती है अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन है उसके बाद विजिबल रेडिएशन है उसके बाद आपका जो और रेडिएशन्स है वो जो सारे हमारे बीम रेडिएशंस है वो सारे जो आते हैं धरती पर उसमें से बहुत सारा हमारा अर्थ जो है वो उसका टू परसेंट जो है वो एबजॉर्ब कर लेते और वो रिलीज कब होता है ड्यूरिंग दी नाइट या कभी भी वो रिलीज 24 फोर आवर्स उस तरह से होते रहता है रिफ्लेक्ट होते रहता है सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी दैट द अर्थ इज अबाउट रीचेडी वॉट पर मीटर स्क्वायर तो जो आपका सोलर का जो ये है रेडिएशन uh, है इंटेंसिटी अबाउट कितना होता है ये 350 हंड्रेड पर मीटर स्क्वायर पे ये हमारा लगभग होता है एनर्जी के फॉर्म में

तो अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें ओवर ए पीरियड ऑफ वन ईयर द विंड एनर्जी जो ई e का इक्वेशन होता है वो होता है area, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो 35% अगर मैं इसका लेता हूं तो देट विलोर फाइव वोट पर मीटर स्क्वायर इंटू जो हमारा अर्थ का सरफेस एरिया पावर फोर्टीन मीटर स्क्वायर और अगर मैं इसका वो ले लू सेकेंड तो थ्री पॉइंट टू इंटू वन जीरो सेवन सेकेंड पर ईयर तो ओवरऑल हमारा आता है टू जूल पर ईयर ये टू दावर ट्वेंटी ये चीज ध्यान रखना जूल पर ईयर तो अगर मैं इसको देखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू विच इज टू हंड्रेड टाइम ग्रेटर एवरेज एनर्जी कंजन ऑन अर्थ एस्टिमेटेड इज टू बी 2 इंटू टेन टू दावर 20 जूल

0.5% परसेंट भी यूज कर लूं तो हम पूरे अर्थ के जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको हम इसके थ्रू चला सकते हैं तो विंड एक ह्यूज अमाउंट में एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है हमारे पास बट हमें कहां करना है हमें करना है थोड़ा सा काम इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जहां पे मैं विंड एनर्जी को मॉडिफाई करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको हार्नेस करके आप तक पहुंचा सकूं उसके बाद हम लोग देख

जनरेट करते हैं देन आप, आप देखिए जो टॉप टेन कंट्रीज इन विंड एनर्जी है उसका कैपेसिटी देखिए मैंने जो फाइव जो है उसको अलग अलग कलर में कोड किया हुआ है ये आपका मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका का है ये लेटिन अमेरिकन है ये नॉर्थ अमेरिका है ये एशिया पैसेफिक का कोड है और ये यूरोप का कोड है तो सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन कर रहा है इस फील्ड में तो जर्मनी इज द हाइएस्ट रेनवेबल इनर्जी पे इसके पास कैपेसिटी है देन स्पेन है देन आपका डेनमार्क है देन इटली है देन यूके है देन आपका ये ये, ये, ये इथरलैंड है देन आपका पोर्तगल है और ऑस्ट्रिया है एंड फ्रांस है ये सारे के सारे कंट्रीज में पहले इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि दीज आर यूरोपियन कंट्री और यूरोप के सराउंडिंग में जो है उनका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है शायद उनके आसपास जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक रहता है जिस कारण से वहां पे जो विंड का वेरिएशन है वो काफी अच्छा है कोस्टल एरियाज काफी है तो वो लोग जो वहां पे एयर का मूवमेंट है बहुत अच्छी कंडीशन में है और वो लोग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं देन उसके बाद आता है आपका यूएसए यूएसए आप देखिए ओवरऑल वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है स्पेन और जर्मनी के बाद देन इंडिया इज इन फोर्थ प्लेस इंडिया जो है वो फोर्थ प्लेस पे ठीक है उसके बाद आप देखेंगे जो एशियन कंट्री में चाइना है इंडिया के बाद मतलब अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्राफ को तो आपको इस ग्राफ को देख के ये पता चलेगा कि अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूं तो जर्मनी फर्स्ट नंबर पे आएगा स्पेन सेकंड पे आएगा और डेनमार्क थर्ड नंबर पे आएगा डेनमार्क अपने कंट्री का नाइंटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है विंड के जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ओवरऑल उसका अब आप सोच लीजिए कितनी अच्छी फैसिलिटी उनके पास हो देन आपका जो यूएसए है यूएसए ही एक अमेरिकन कंट्री में सबसे टॉप में है उसके बाद अगर आप एशियन कंट्रीज की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया जो कि आज की डेट में ये टू हंड्रेड टू जीरो का डाटा है इकतीस मार्च तक का डाटा है ये उसके हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि थ्री वन टू एट मेगावाट तक इंडिया कर रहा है उसके बाद चाइना आता है चाइना के बाद आपका आता है Japan. तो एशियन कंट्रीज में तीन है ये आपका पहले नंबर पे इंडिया नंबर पे चाइना थर्ड पे जापान तो इंडिया जो है वो ओवरऑल आपका लीड कर रहा है इंडिया कम्युनिटी विंड पावर इंस्टॉलेशन बाय स्टेट परसेंटेज वाइज और ये जो डाटा है ये डाटा हमारा लेटेस्ट डाटा है ऑफ मार्च टू जीरो टू जीरो तक उसमें आप देखिए सबसे लीडिंग जो स्टेट है लीडिंग स्टेट ऑफ पावर जनरेशन बाय विंड एनर्जी इज तमिलनाडु नियर बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट देन सेकेंड नंबर पे जो है गुजरात है और थर्ड नंबर पे जो आपका है वो आपका आता है महाराष्ट्र उसके साथ साथ आप देखेंगे कि टाइम कौन है हमारे साथ टाइम हमारे साथ ये है कर्नाटका कर्नाटका में भी नियर बाय थर्टीन परसेंट ओवरऑल जनरेशन हो रहा है तो कर्नाटक महाराष्ट्र आपका थर्ड नंबर पे इंडिया में लाइक करता है देन राजस्थान है राजस्थान के जो डिजर्ट एरियाज है और कुछ जो हिली एरियाज है अरावली पर्वत श्रृंखला वहां पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारे विंड पावर इवन की एक सीकर छोटा सा शहर है वहां पे भी हर से एक पर्वत है जो कि लगभग से, से, सेकेंड हाइएस्ट पीक है राजस्थान का आई थिंक वहां पे भी जो है वो सोलर मैंने विंड के देखे हुए दस मिलेट्स मैंने विजिट किया हुआ है प्रॉपर उसको काफी अच्छा प्लेस है टूरिस्ट भी जाते हैं वहां पे तो उसके अलावा आप जो आंध्र प्रदेश देखेंगे आंध्र प्रदेश भी अलेवन परसेंट है उसके बाद मध्य प्रदेश सेवन परसेंट पे आ गया है तेलंगाना जीरो पॉइंट थ्री फोर परसेंट केरला जीरो पॉइंट वन सेवन परसेंट एंड अदर्स जो है वो जीरो पॉइंट जीरो है यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओनली फाइव टू सिक्स स्टेट जो है वो लगभग लगभग नाइन्टी आपका जो है पावर वो कर रहा है अगर आप इसको देख लीजिए मध्य प्रदेश एक आंध्रा दो राजस्थान तीन कर्नाटका चार महाराष्ट्र पांच गुजरात एंड तमिलनाडु आट ओनली एट स्टेट जो है वो इस सेक्टर में आर कर रहा है जबकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो तमिलनाडु के अलावा केरला में काफी अच्छा स्कोप है विंड पावर का काफी बड़ा कोस्टर एरिया लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों नहीं करते उस स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी uh, डिपार्टमेंट या जो भी रेन्यबल एनर्जी डिपार्टमेंट के हैं सेम आप देखेंगे कि आपके ओडिशा में है आंध्रा में है वेस्ट बंगाल में है लेकिन इन लोग ये लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं सिमिलरली अगर आप हिली एरियाज में चले जाएंगे तो उत्तराखंड हो गया आपका उसके बाद हिमाचल हो गया यहाँ पे भी एक्चुअली हिमाचल एंड उत्तराखंड इज वेरी रिच एज इन हाइड्रो उनके पास हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं तो उनको जरूरत नहीं है बट अगर आप आंध्र प्रदेश की या इनकी बात करेंगे तो इनको इन सब चीजों पर आर करनी चाहिए थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस स्टेट के पर्टिकुलर जो लोग हैं उनको काम करनी चाहिए थी और ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट है वो करना चाहिए था तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है और उसमें भी जो विंड है उसका काफी अच्छा स्कोप है इंडिया में अगर उस उसपे काम किया जाए तो अभी हम पूरे एशिया में लीड कर रहे हैं और होपफुली हम धीरे 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 काफी अच्छी पोजिशन में आएंगे अराउंड द ग्लोब उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो नेक्स्ट अब देखिए ये सब सारी चीजें तो इनके फीचर्स हो गए अच्छी अच्छी चीजें आपने देखी देन आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी विंड एनर्जी के क्या एडवांटेजेज है और क्या डिसएडवांटेजेज है इस पे अब हम लोग बात करेंगे तो एडवांटेजेज क्या है एडवांटेजेज है नो पोल्यूशन मीन्स किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता है लोएस्ट प्राइसेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये लोएस्ट प्राइसेस है इसका जो पर यूनिट जनरेशन होता है काफी सस्ता होता है डोंट प्रोड्यूस एटमोस्फेरिक एमिशन दैट कॉज एसिड रेंज एंड ग्रीन हाउस एफेक्टेड मीन्स आफ्टर जनरेशन किसी तरह का कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता है कोई पोल्यूटेंट रिलीज नहीं करता आपके एटमोस्फेयर में जिससे आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान हो या हार्मफुल हो कुछ एडवांटेजेस है तो लिटिल बिट सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आपका डिपेंडिंग ऑन हाउ इनर्जेटिक विंड साइट इज द विंड फॉर्म मे और मे नॉट बी कॉस्ट कॉम्पिटेटिव दूसरा है विंड एनर्जी कैनॉट बी स्टोर्ड अनलेस बैटरीज आर यूज अगर हमारे पास बैटरीज है तभी हम स्टोर कर सकते हैं अदरवाइज हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते गुड विंड साइट आर ऑफन लोकेटेड टू इन रिमोट लोकेशन जो गुड विंड साइट है वो जनरली रिमोट लोकेशन में होते हैं वहां तक सारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जाने में या वहां से अगर हम जनरेट करके कहीं पे ट्रांसमिट करते हैं तो वो डिस्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लॉसेस भी होते हैं विंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट में कम्प्लीट विद अदर यूजेज फॉर द लैंड एंड दोज अल्टरनेटिव यूजेज में बी मोर हाईली वैल्यूएबल जहाँ पेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगा सके इंस्टॉल कर सके अब वो अगर हमारा एग्रीकल्चर लैंड है या कोई ऐसा वैल्यूबल है जहां पर हम उस इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा प्रोडक्ट उगा सकते हैं उस जगह पे हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं लगभग जीरो पॉइंट वन थ्री बर्ड्स जो है वो डेली अमेरिका अमेरिका में डेथ हो रहा है 0.13 पॉइंट बर्ड्स का कि उसके कारण ये जो है वो बर्ड्स ब्लेड्स में आके मरते हैं माइग्रेटेड बर्ड जो मूव करते हैं इधर से उधर या कोई स्मॉल बर्ड्स में तो जब इसकी ब्लेड्स चलती रहती है उस बीच में अगर कोई बर्ड्स फ्लाई करता है तो उसको थोड़ा सा उसमें लाइफ का डेंजर रहता है और वो नुकसान उनको होता है तो बर्ड्स भी हमारे इकोलॉजी को मैनेज करता है तो उसमें अगर कोई ज्यादा नुकसान होता है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एरियाज के इकोलॉजिकल सिस्टम पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है तो लेकिन एडवांटेज लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो विंड एनर्जी को हम सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि अगर हमारे पास विंड एनर्जी इतनी है कि टू टाइम्स ग्रेटर देन दी ओवरऑल एनर्जी कंजन ऑफ दर्ल्ड अगर हम उसका कुछ पार्ट भी

जो हमारे ये जो रेफर किए हुए सारे बुक्स हैं इसको जरूर फॉलो करें टू गेट द मोर नॉलेज बट अकॉर्डिंग टू अगर आपको चार नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट शोट नॉट एनर्जी दिस मैटर इज जिसमें आप क्या विंड एनर्जी है उसका वर्ल्ड में क्या पोजिशन है इंडिया में क्या है सम लिटिल विट एडवांटेजेज एंड इसके थ्रू आप पर्टिकुलर आपको एक राइटिंग मेटेरियल मिल जाएगा फोर मार्क्स का या फाइव मार्क्स का सो गाइज टॉपिक पे बने रहिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है विंड मिल्स Windows कैसे काम करते हैं उसके कितने टाइप्स हैं उसके क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर सिक्सटीन में सो so गा तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे देखते रहिए और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए चैनल को थैंक यू गाइज विश यू ऑल द बेस्ट